हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वाली वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक रॉक पेपर सेज गेम। तो ये सब हम करेंगे पायचाम पे, एंड पायचाम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे और अब हम हमारा कोड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पायचाम पे, एंड अब हम हमारा कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट रैंडम। अब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पे हमें लिखना है डेफ प्ले अंडरस्कोर गेम। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पे अब हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है चॉइसेस, और इसके आगे हमने ये डिफाइन करा है कि या तो इनपुट में से इन तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, रॉक पेपर या तो सीजर्स। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन और यहाँ पे अब हम लिखते हैं कंप्यूटर अंडरस्कोर चॉइस, ये एक वेरिएबल है, एंड इसके आगे हमने ये लिखा है कि रैंडमली जो कंप्यूटर है वो कोई भी चॉइस लेगा। और अब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पे अब हम लिखते हैं यूजर अंडरस्कोर चॉइस, ये एक वेरिएबल है, एंड इसके आगे हम इनपुट ले रहे हैं, तो वहाँ पे प्रिंट होगा हमें रॉक लेना है, सीजर लेना है, यहाँ पे पेपर लेना है। यहाँ पे डॉट लोअर इसलिए लगा है ताकि जो भी आंसर है चाहे वो कैपिटल में हो लेकिन वो लोअर में आएगा ताकि सिंटैक्स एरर ना हो। और अब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ यूजर चॉइस डबल इक्वल्स टू कंप्यूटर चॉइस, मतलब जो यूजर ने लिया, जैसे हमने रॉक लिया और कंप्यूटर ने भी रॉक लिया तो वहां पे टाई हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं, यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट होगा इट इज अ टाई। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और इफ के बराबर, यहाँ पे हमें लिखना है एल इफ, यहाँ पे अब हम लिखेंगे यूजर चॉइस डबल इक्वल्स टू रॉक एंड कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल्स टू सिजर्स, मतलब जैसे हमने रॉक लिया और कंप्यूटर का सिजर आया और यहाँ पे हमारा जीत है तो यहाँ पे हम जीते। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्रिंट कॉलन यू विन, और अब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं एंड इसी एल्स इफ को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि आगे हम यही ट्राई करने वाले हैं, तो हमें इसे बिल्कुल पैरेलल में कॉपी पेस्ट करना है। हमें टोटल 3 एल्स इफ चाहिए एंड हम एल्स इफ के बराबर में यहाँ पे अब हम लगाएंगे एल्स। तो अब हम इनमें थोड़े से चेंजेस करते हैं, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्रिंट कॉलन कंप्यूटर विंस, मतलब अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, जैसे अगर यहाँ पे प्लेयर का रॉक नहीं हुआ और कंप्यूटर का रॉक हुआ और प्लेयर का सीजर हुआ तो उसमें कंप्यूटर जीत जाएगा, तो ये ऐसे वर्क करता है। एंड अब हमारा कोड हो चुका है तो अब हम रन पे क्लिक करते हैं। मैंने एक्चुअली एक लाइन में लिखी है तो एक बारी वापस बराबर में आते हैं। ये जो स्टार्टिंग वाला है यहाँ पे हमें लिखना है प्ले गेम, अब हमें इसे रन पे क्लिक करना है। ओके, तो अभी यहाँ पे आ गया चूज रॉक पेपर और सीजर, तो मैं लेता हूँ रॉक एंड यहाँ पे कंप्यूटर जीत गया, और फिर से रन पे क्लिक करते हैं एंड इस बारी मैं लेता हूँ पेपर एंड इस बारी मैं जीत गया। तो इसको आप ऐसे ही खेल सकते हो। तो इतना था इस वीडियो के लिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, और ये प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।